हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्ट वाला स्क्रीन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। एवरीवन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2020 का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि UPSC का फाइनल रिजल्ट आ गया है और यहाँ पे हम जो मार्कशीट शो कर रहे हैं ये काफ़ी यूनिक मार्कशीट है और ऐसे मार्कशीट बहुत कम देखने को मिलते हैं। यस एवरीवन, बहुत कम देखने को मिलते हैं। इन्होंने कुछ कमीशन के जो इंस्ट्रक्शन है उसका वायलेशन किया है और इनके ऊपर कुछ जो एक्शन लिया गया है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथ ही मार्कशीट भी दिखाएंगे, ऑसम नंबर है वो भी दिखाएंगे। इनका रैंक आप चेक कर रहे होंगे तो इनका रैंक भी आप देख पाएंगे कि इनका रैंक है 14 और इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन का वायलेशन किया है और इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एवरीवन, यहाँ है, नाम है करिश्मा नायर और इनका मार्क्स आप देखें तो जीएस पेपर वन में देखे तो 133 नंबर है, जीएस पेपर सेकेंड में देखे तो 104 नंबर है, जीएस पेपर थर्ड में देखे तो 108 नंबर है, जीएस पेपर थ्री में देखे तो 102 नंबर है, जीएस पेपर फोर में देखे तो 123 नंबर है। ऑप्शनल पेपर है इनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका काफ़ी ज़बरदस्त नंबर है। और लेकिन यहाँ पे देखिए पेनाल्टी मार्क्स इनको लगा हुआ है 5, तो पेनाल्टी किस बात की लगी है अब इस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ गाइडलाइन का वायलेशन किया है उसके ऊपर इनको पेनाल्टीज़ लगाई गई है 5 नंबर का। और इस तरह का मार्कशीट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, काफ़ी यूनिक मार्कशीट है जो कि आप UPSC के लर्नर है, स्टूडेंट है, आने वाले समय के भविष्य के आप भी IAS ऑफिसर हैं। तो एवरीवन, आप लोगों को जानना ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के काम आप नहीं करेंगे तो किस तरह के काम आपको नहीं करना है। ठीक है एवरीवन, इन तमाम मुद्दे को ऊपर बात करेंगे। साथ ही पहले यहाँ पे देखिए इनको पर्सनालिटी टेस्ट में मिला है 187 मार्क्स, टोटल नंबर आए हैं रिटेन में इनके 834 और टोटल इनका जो टोटल जो मार्क्स बनता है वो बनता है आपका 1021 यानी कि 1021 मार्क्स इनका बनता है। लेकिन 5 नंबर इनको पेनाल्टीज लगा है, नहीं तो 126 पे हैं और 126 अगर इनका मार्क्स आता तो और ज़्यादा इनका रैंक और बेहतरीन हो पाता, लेकिन इनका रैंक है 14। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कमीशन ने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्क्स आपका डिडक्ट किया जा रहा है क्योंकि आपने वायलेशन किया है कमीशन के इंस्ट्रक्शन को। यस एवरीवन, इन्होंने कमीशन के इंस्ट्रक्शन का वायलेशन किया जिसकी वजह से इनको 5 नंबर गंवाने पड़े हैं। ये 5 नंबर डिसाइड कर देता है रिजल्ट, आप सभी ने देखा होगा, 5 नंबर डिसाइड कर देता है कि आपका रिजल्ट आ रहा है, आप IAS ऑफिसर बन रहे हैं या कौन सा रैंक आपको मिल रहा है या फिर आप कौन से सर्विस में जा रहे हैं, सब कुछ तय कर देता है मार्क्स। और ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नहीं 5 नंबर इनके काटे गए हैं और नाम है इनका करिश्मा नायर। लेकिन इनका सौभाग्य बहुत बढ़िया है, गॉड इनके साथ है, इनका लक बहुत ज़बरदस्त है और इन्होंने ऐसे पेपर में बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। साथ ही GS पेपर में भी इनका काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है जिसकी वजह से इनका रैंक बन गया है, आपका रैंक बना है 14, तो 14 नंबर रैंक है। नाम है इनका करिश्मा नायर। पेनाल्टी यहाँ पे देखिए पेनाल्टी मार्क्स इनको 5 नंबर का देना पड़ा है। एवरीवन, ये उम्मीद करता हूँ आप लोग इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देंगे कि अगर आपका रिजल्ट आता है प्री मेंस का और इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो एक एक पॉइंट को, एक एक इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है, जो जो आपसे पूछा जा रहा है उन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, नहीं तो आपके भी मार्क्स कट जाएंगे। अगर इतने मार्क्स करते हैं, 5 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, अगर इतने भी मार्क्स करते हैं तो बहुत सारे रैंक आपके पीछे हो जाएंगे। साथ ही इस रैंक की वजह से आपका डिपार्टमेंट भी चेंज हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इन तमाम मुद्दों को आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका मार्क्स ना कटे और इस तरह के आप गलती ना करें। तो ये मार्क्स इनका डिडक्ट हुआ है, वायलेशन किया है इन्होंने कमीशन के इंस्ट्रक्शन को जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी इनका रिजल्ट आ चुका है। कंग्रेचुलेशन अनस्टॉपेबल IAS एकेडमी की तरफ से। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और एवरीवन चैनल पे नए हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही अगर आप इस साल 2021 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 7 डेज में कैसे तैयारी करना है उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा, काफ़ी धांसू वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपका UPSC प्रीलिम्स 2021 का कोई भी नहीं रोक सकता रिजल्ट आने से, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने कोविड 19 का वैक्सीन नहीं लिया है तो कोविड 19 का वैक्सीन ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।